हेलो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आज का वीडियो बहुत ही शानदार है। शानदार तो रोज ही रहता है, देखने वाले शानदार थोड़ा होना चाहिए, मतलब आप लोग भी रहिए अच्छे से। और क्या देखिए, आज का वीडियो जो है जेंडर। जेंडर क्या होता है? लिंग होता है, यानी इसका जो है पार्ट टू। मैंने पार्ट वन बनाया था जेंडर जो है, लेसन फाइव का जो है जेंडर है। जेंडर यानी पार्ट टू का वीडियो है, पार्ट वन मैंने बना चुका हूँ। आप लोग ये सब सारी चीज़ें जानने से पहले, अगर आप लोग नए हो तो पीके इंग्लिश गुरुजी का जो चैनल है सब्सक्राइब करें। दरअसल सब्सक्राइब करने का यह फायदा होता है, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप पर मेरा जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाए। और पीके इंग्लिश गुरुजी का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और वेल आइकन जो है प्रेस करना, सबसे ऊपर का जो होता है वेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, घंटी जो है दबा दीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर से जरूर करें। और मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग का बहुत सारा प्यार हमें हमको जो है मिल रहा है। आप लोग का ऐसा ही बहुत सारा प्यार भरा दिल से रहेगा तो मैं एक दिन पक्का है कि मैं यूट्यूबर जो है बहुत बढ़िया से अच्छे से मैं फेमस हो जाऊँगा। और मेरा भी बहुत सारा प्यार, मेरा भी बहुत 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 ज़्यादा, मैं भी बहुत भरा प्यार भरा नमस्कार मैं आपको करता हूँ। आप जो है सपोर्ट करें। देखिए ये क्या लिखा है आपका, कॉमन जेंडर। यह क्या लिखा है आपका, कॉमन जेंडर। इसे हम क्या पढ़ेंगे, कॉमन जेंडर यानी होता है उभयलिंग। उभयलिंग से यह बोध होता है कि नाउन या तो नर, नर मतलब होता है पुरुष जाति का है, या मादा जाति का है, मादा मतलब स्त्री, स्त्री जाति का। इसका कहने का मतलब यह है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है, दोनों। अब इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देख लीजिए, द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज ईदर अ मेल और फीमेल। फिर से देख लीजिए, द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज ईदर अ मेल और फीमेल, यानी इसमें क्या है, नर और मादा दोनों जाति का है, मतलब इसमें दिया है। उभयलिंग से यह बोध होता है कि नाउन या ये तो नर जाति का है या मादा जाति। देखो इसमें कहने का मतलब है कि पुरुष और स्त्री जाति का दोनों मतलब है, दोनों दोनों का बोध बताया जा रहा है, मतलब डिनोट दोनों। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है चाइल्ड। चाइल्ड मतलब होता है बच्चा या बच्ची। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, बच्चा या बच्ची। थीप, थीप मीन्स क्या होता है, चोर या चोरनी। थीप मतलब क्या होता है, चोर या चोरनी। पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति। पर्सन मतलब होता है आदमी या औरत, आदमी या औरत। अब दिया डॉक्टर, डॉक्टर में क्या है, चिकित्सक या चिकित्सनी, चिकित्सक या चिकित्सनी। पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है, माता या पिता, माता या पिता। स्टूडेंट में क्या होता है, बालक या बालिका, बालक या बालिका। राइटर में क्या होता है, लेखक या लेखिका, ईटीसी। ऐसे ही बहुत सारे हैं, मतलब मेरे कहने मतलब मैंने जो मैंने चीजें बताया इसमें नर और मादा दोनों, मतलब कि क्या है इसमें पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का बोध हो रहा है। मेरे कहने का मतलब तरीका यही है कि आप लोग इसे जानिए और समझिए। समझ लिया आप लोग। न्यूटर जेंडर क्या लिखा है, न्यूटर क्या लिखा है, न्यूटर जेंडर। मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग, आप लोग देखिए न्यूटर जेंडर, छोटे बड़े जो भी हैं फ्रेंड और दोस्त जो भी हैं देखिए ध्यान से। न्यूटर जेंडर यानी होता है नपुंसक लिंग, जो निर्जीव हो, मतलब जिसमें जीव ना हो, जिसमें जीव ना हो, मतलब पहले से ही मरा हुआ हो, जो मतलब कि उसमें जान ही ना हो, वो क्या है, वह लिंग यानी सॉरी नपुंसक लिंग है, मतलब जिसमें जीव नहीं होता है। नपुंसक लिंग से यह बोध होता है कि नाउन ना तो नर जाति का है ना मादा जाति का, यानी ना वो पुरुष जाति का है ना वो स्त्री जाति का है, मतलब किसी का नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि नपुंसक लिंग वह है, मतलब जो कि मतलब
ना उसमें किसी का सपोर्ट नहीं है, ना उसमें नर का है ना मादा का, ना उसमें मतलब पुरुष का ना उसमें स्त्री का, क्योंकि वो निर्जीव वस्तु है। वो क्या है? वो निर्जीव वस्तु है। देखिए इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देख लीजिए, द न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नीदर अ मेल नॉर फीमेल और फीमेल। द न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नीदर अ मेल और फीमेल। आपका यही डिफिनेशन है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए भाई। आप लोग बहुत समझदार हो, अंडरस्टैंड हमारा, हमको जो है बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं भाई। मेरा सब्सक्राइबर जो है एक दो ठो आप लोग चाहें तो सपोर्ट करके बढ़वा सकते हैं डेली। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग नोट करते रहिए आप लोग। आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे, मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे। इसमें क्या दिया है आप लोग ध्यान देखिए, इसमें यह दिया है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर माने होता है नपुंसक लिंग, जो मैंने उसके बारे में बताया है, उसका परिभाषा जो मैंने बताया उसी का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल्स हैं जैसे वुड, वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी होता है, ऑयल माने तेल होता है। ऑयल क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑयल क्या है आपका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्रो यानी कौवा, एंट माने चींटी, बेंच मतलब होता है, बेंच मतलब होता है बेंच जो बैठने वाला होता है, स्कूल स्कूल यानी जो विद्यालय होता है, बुक यानी जो किताब, पेन मतलब कलम, क्लास मतलब जो कक्षा होता है, वॉच वॉच मतलब होता है घड़ी, वॉच मतलब क्या होता है घड़ी, हॉनेस्टी मतलब जो ईमानदारी, ईमानदारी क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो दिखता नहीं है इसके अंदर क्या है। आर्मी, आर्मी ईटीसी, आर्मी क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है, आर्मी क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है। मेरे कहने का मतलब आप इसे देखकर जरा आप कंफ्यूज मत रहिए कि क्रो है तो क्रो क्या है, नर और मादा है, एंट है तो नर और मादा। अभी मैं यहाँ पे मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ, मैं अच्छे से आपको बता रहा हूँ। देखिए निर्जीव, निर्जीव पदार्थों, निर्जीव पदार्थों को मतलब मैंने इसमें बता दिया, जैसे वुड हो गया, ऑयल हो गया, वॉच हो गया, क्लास हो गया, पेन हो गया, बेंच हो गया, स्कूल हो गया, बुक, ये सब क्या है निर्जीव पदार्थ हो गया। फिर उसके बाद कीड़ों मकौड़ों, कीड़ों मकौड़ों और छोटे छोटे जानवरों को इसी श्रेणी में रखा गया है, जो छोटे मोटे होते हैं एकदम, कीड़े मकौड़े जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, जानवरों की इसी श्रेणी में रखा गया है। कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में क्या आ गया आपका आर्मी आ गया। फिर मेटेरियल नाउन में क्या आ गया आपका ऑयल आ गया। और अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ गया आपका ऑनेस्टी आ गया, क्या आ गया ऑनेस्टी, ऑनेस्टी में तो ईमानदारी, ईमानदारी दिखता नहीं है। को अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी इसी श्रेणी में न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है। क्या है आपका, जितनी सारी चीजें हैं न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है। आप लोग नए हो तो मेरे पीके इंग्लिश गुरु जी का जो चैनल है सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द, आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा भाई। देखो भाई अब जब करेंगे तो अभी मैं आगे जो है बढ़ूंगा, तभी हमको जो है हमारा जो हौसला जो है बुलंद रहेगा, मतलब मैं तभी ना आगे जा सकता हूँ। आप लोग खुलकर सपोर्ट करिए, हम खुलकर मेहनत करेंगे, आप लोग खुलकर पढ़िए।